देश में कोरोना को लेकर अलर्ट, सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर बैठक, कहा प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दो दिवसीय जयपुर दौरे पर, 28 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लेंगे बैठक। आरटीडीसी के पर्यटकों को हेलीकॉप्टर जॉयराइड की सौगात, जैसलमेर के समझाणी से आगाज। 57 साल के हो गए फिल्मी पर्दे के दबंग सलमान ने दोस्तों के साथ केक कट कर मनाया जन्मदिन। झुंझुनू में आबकारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 600 पेटी शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। अलवर के किशनगढ़ बास में तमंचुए के दम पर लूट की वारदात, व्यापारी से नकदी और राहगीर युवक से बाइक लूट कर भागे तीन बदमाश। पाली के देसूरी में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 141 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर जब्त। फतेहपुर शेखावाटी में कोहरे का कहर, चूरू रोड पर 3 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, कई लूट सकती। राजस्थान का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर, फतेहपुर में पारा पहुंचा 1.7 डिग्री। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या 50 के पार, करीब 3100 से ज्यादा उड़ानों को किया रद्द। पहाड़ों से आई सर्दी से चिचुरी, मरुधरा माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। झालावाड़ एसपी रिचार्ड तोमर का बड़ा एक्शन, 4 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हासिल। कुटपुतली में अवैध अतिक्रमण पर नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई, 2 बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस ने शब्बीर हत्याकांड का किया पर्दाफाश, हत्या के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी जयपुर की कालवाड़ थाना पुलिस ने मोबाइल और पर्स लूट गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। आबू रोड में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना, 2 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों के गहने लेकर हुए फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद। अलवर में राजस्थानी युवा समिति ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने की मांग। बीकानेर के लूट करंट सर्वे, सिंचाई विभाग के रवैये से किसानों में आक्रोश, कार्यालय में एक्सीएन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। कोटा में दिनदहाड़े घर में महिला को बंधक बनाकर नकदी और आभूषण चुराने का मामला आया सामने, पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने बाइक चोर जीजा साले गैंग का किया पर्दाफाश, 6 शातिर चोर गिरफ्तार। लोहाट के पीलवा गांव में गौशाला संचालक पर जानलेवा हमला करने का मामला, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के रसूलपुर से बुहाना लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस में किलकारी गूंजी, जिसमें प्रस्तुता ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। दुनिया में बढ़ते कोरोना पर केंद्र सरकार का अलर्ट, देशवासियों से की मास्क पहनने की अपील। नागौर में एक ही समुदाय के लोगों ने किया झगड़ा, तेली रोड पर लाठी और पाइपों से की जमकर मारपीट, झगड़े में करीब दर्जन भर लोग हुए सकते। मिशन मजनू का प्रमोशन करते दिखे रश्मिका सिद्धार्थ, स्टेज पर किया जमकर डांस। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को मुंबई में अपने नए घर न्यू कृष्णराज में किया गया स्पॉट, नए घर के काम को देखने पहुंचे रणबीर आलिया। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दूसरी बेस्ट हॉलीवुड फिल्म बनी अवतार 2, एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर को छोड़ा पीछे। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर पर टूटा दुखों का पहाड़, दुनिया को अलविदा कह गई सुनील गावस्कर की मां। जयपुर के आमेर में श्रीमद भगवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन, 501 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा।